नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आपकी खबर आपका फायदा, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं शुगर फ्री के कड़वे सच की। जी हाँ, अक्सर आपने देखा होगा कि जिन्हें डायबिटीज होता है वो चाय वगैरह में मिठास लाने के लिए स्वीटनर वाली गोलियां डाल देते हैं। बाजार में भी ऐसे लोगों के लिए शुगर फ्री बिस्किट से लेकर मिठाइयां तक मौजूद हैं। दावा होता है कि उनमें मिठास के लिए चीनी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आजकल सेहत को लेकर संजीदा लोग भी चीनी के इस्तेमाल को लेकर बचते नजर आते हैं, क्योंकि मोटापे के साथ डायबिटीज होने के लिए मुजरिम अगर किसी को माना जाता है तो उस चीनी को माना जाता है। लेकिन सच्चाई ठीक इसके उलट है। चाय या फिर खाने पीने की चीजें भी, किसी भी चीज में चीनी की जगह स्वीटनर का इस्तेमाल न सिर्फ आपको मोटा बल्कि डायबिटीज का भी शिकार बना सकता है। यकीन नहीं तो देखिए ये रिपोर्ट। स्वीटनर या आम बोलचाल की भाषा में कहें तो शुगर फ्री, यानी वो चीज जो मीठी तो हो लेकिन चीनी के बिना। पिछले कुछ सालों में यह शब्द डायबिटीज के शिकार लोगों के जीवन में मिठास लेकर आया है। इसकी बदौलत लोग न सिर्फ मीठी चाय कॉफी का मजा वापस ले पाए बल्कि मिठाइयों ने भी जुबान तक पहुंचने का रास्ता खोज निकाला। आज सेहत के लिए संजीदा लोग भी चीनी से हाथ पीछे खींचने और अपनी जिंदगी में मिठास लाने के लिए स्वीटनर और शुगर फ्री चीजों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ परेशान करने वाली बात यह है कि इन चीजों का आपकी सेहत पर असर दावे के ठीक उलट होता है। करंट एथेरोस्क्लेरोसिस की एक रिपोर्ट बताती है कि स्वीटनर का इस्तेमाल करने वाले लोगों में मोटापे की आशंका बढ़ जाती है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से बीमारियों की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, यानी नतीजे दावों के ठीक उलट हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया ने भी 5,158 वयस्कों पर किए शोध के बाद तैयार की गई रिपोर्ट में पाया कि पिछले 20 सालों में बच्चों वयस्कों में स्वीटनर का इस्तेमाल बढ़ा है। बच्चों में 200% तो बड़ों में 54% इस्तेमाल बढ़ा है। शोध में पाया गया कि स्वीटनर इस्तेमाल न करने वालों की तुलना में इस्तेमाल करने वालों का वजन ज्यादा बढ़ा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर आंतों में मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया को बदल देता है, इससे वजन बढ़ता है और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। ये रिपोर्ट भारत, जिसे विश्व का डायबिटीज कैपिटल का तमगा हासिल है, उसके लिए खास है, क्योंकि भारत में इन स्वीटनर का बाजार 150 करोड़ रुपए का है और दोगुना तेजी के साथ बढ़ रहा है। यानी दोगुने तेजी के साथ अनजाने में लोग डायबिटीज की ओर बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई में क्या शुगर फ्री वाकई में शुगर फ्री है और वो आपको हेल्दी रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप, या आप अनजाने में कहीं मोटापे की ओर एक और कदम तो नहीं बढ़ा रहे हैं अगर आप शुगर फ्री खाते हैं तो? इसी पर आज हम कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। हम सबसे पहले परिचय आपका आज के मेहमानों से करा देते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप मिश्रा, चेयरमैन हैं फोर्टिस के और सी डॉक के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अनूप आपका, गुड इवनिंग। हमारे साथ है निधि साहनी जो कि एमडी है न्यूट्री एडवाइस की। निधि, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। हमारे साथ है डॉक्टर वंदना जयसिंह जो कि फाउंडर हैं PHY वर्ल्ड क्लिनिक की। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले आम लोग और स्वीटनर, और जितने लोग मैंने अपने आसपास कम से कम देखे हैं और मैं अपनी फैमिली के हिसाब से भी आपको बता सकता हूं, स्वीटनर्स का इस्तेमाल या शुगर फ्री का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है, इसलिए करते हैं लोग कि हमें डायबिटीज ना हो जाए, हम ज्यादा चीनी ना खा लें। और यहां तो ये रिपोर्ट बता रही है कि ये स्वीटनर और ये शुगर फ्री जो है ये आपको मोटापे और डायबिटीज की तरफ ले जा रहे हैं। कितनी चिंता की बात होनी चाहिए सर ये हमारे लिए? देखिए, इसमें जो रिसर्च है वो बहुत फ्लिप फ्लॉप, मतलब कभी कुछ आंकड़े दिखाते हैं कि ये अच्छे हैं और कुछ आंकड़े दिखाते हैं नहीं अच्छे हैं। जो लास्ट 3 साल की अगर आप रिसर्च की बात करें तो उसमें कुछ रिपोर्ट्स ये दिखा रही हैं कि मोटापा भी बढ़ता है और साथ साथ लिवर में फैट ज़्यादा हो जाता है जो लोग ज़्यादा स्वीटनर्स खाते हैं। और इसके सिवा कहीं कहीं रिपोर्ट ये भी दिखा रही हैं कि हार्ट की डिजीज़ और डिमेंशिया, जो कि दिमाग की डीजनरेशन वाली प्रॉब्लम है, वो भी बढ़ जाती है। तो इसमें देखिए, एक बड़े क्लियर डिस्टिंक्शन करने की बात है कि लोग जो ज़्यादा स्वीटनर खा लेते हैं, जैसे कि 6-7 प्याले चाय के साथ और 2-2 टैबलेट ले ली उन्होंने कोई भी स्वीटनर की,
और बनिस्बत के लोग कभी कभार स्वीटनर लेते हैं, इन दोनों में क्लियर डिस्टिंक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा लेते हैं उनमें शायद ज़्यादा प्रॉब्लम हो और जो ओकेजनल लेते हैं उसमें उतनी प्रॉब्लम शायद नहीं हो। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेटल नहीं है, लेकिन ये जो आंकड़े हमारे डेफिनेटली चिंताजनक हैं और ये अक्सर वो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो कि डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, और जो डायबिटीज़ जिनको ऑलरेडी हो जाती है वो तो अपना शुगर कम करके अपना ज़्यादातर अकोमोडेट कर लेते हैं और कभी कभी स्वीटनर का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल निधि सानी, व्हाट इज़ योर टेक, स्वीटनर या शुगर फ्री में ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो हमारी सेहत को नुकसानदेह हो सकते हैं, अगर जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर वो कंट्रोल्ड अमाउंट में खा रहे हैं तो फिर तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर बिना जाने ये हम ये खा रहे हैं और बिना कुछ सोचे समझे हम इनको खा रहे हैं तो आपकी सेहत पर वो विपरीत असर भी डाल सकते हैं। ऐसी क्या बात है इसमें जो हमें डरना चाहिए स्वीटनर से और शुगर फ्री जितने भी आइटम्स हमारे मार्केट में मौजूद हैं? देखिए, अगर मेरा ओपिनियन कहें तो अगर जहाँ पे आर्टिफिशियल वर्ड आता है वहाँ क्वेश्चन मार्क आता है। हमारी बॉडी जो है वो ऐसी डिज़ाइंड है कि वो नेचुरल जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लेती है। जहाँ आर्टिफिशियल चीज़ आती है वहाँ पे मतलब है कि बॉडी थोड़ी सी कंफ्यूज रहती है उनको डाइजेस्ट करने से, या फिर वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाती है तो टॉक्सिन्स रिलीज करती है। जहाँ पे ये टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं वो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। स्टडी ये भी कहती है कि अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर काफ़ी ज़्यादा हद तक यूज़ करते हैं तो ब्रेन कन्फ्यूज़ हो जाता है। अगर हम आर्टिफिशियल, हम शुगर की अगर बात करें तो हमारे ब्रेन को या हमें शुगर चाहिए होती है कैलोरीज़ के लिए। अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर ले रहे हैं मतलब ज़ीरो कैलोरीज़ ले रहे हैं तो ब्रेन कन्फ्यूज रहता है। कन्फ्यूज़ का मतलब कि उसको पता नहीं लगता है कि वो कहाँ खाना रोके। तो अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं तो कन्फ्यूजन ऑफ ब्रेन होती है जिसकी वजह से हम ज़्यादा खाते हैं या हम खाते रहते हैं और हमारा एपिटाइट बढ़ जाता है, जो ना ही ओबेसिटी को रिजल्ट देता है साथ ही अदर कॉम्प्लिकेशंस को भी जनरेट करता है, जैसे आपने बोला डायबिटीज़ 2 या फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, ओबेसिटी या फिर आप कह सकते हो ब्रेन कन्फ्यूजन या फिर एंग्जाइटी। तो अगर देखा जाए तो आर्टिफिशियल स्वीटनर लेना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर लिमिट में लेते हैं तो शायद, कभी कभी लेते हैं तो शायद हम इस चीज़ों से बच सकते हैं, बट अगर नेचुरली एग्जिस्टिंग शुगर लेंगे तो हम काफ़ी हद तक हेल्दी भी रहेंगे और अपना स्वीट टूथ भी कंट्रोल में रख सकते हैं। ऑलराइट डॉक्टर वंदना, एक और शायद मिथ है कि हम शुगर फ्री या आर्टिफिशियल स्वीटनर्स इसलिए खाते हैं कि हम कैलोरी इनटेक कम करें, क्या शुगर फ्री का मतलब कैलोरी फ्री भी है? यस, यू आर वेरी राइट। अगर शुगर फ्री लेंगे तो जीरो कैलोरीज होंगी, जो शुगर में, ग्लूकोस में, चीनी में देयर इज अ लॉट ऑफ कैलोरीज लाइक 36 ग्राम्स एंड दैट इज जीरो कैलोरी एंड कार्बोहाइड्रेट। बट उसमें बॉडी ट्रिक में चली जाती है व्हेन वी टेक आर्टिफिशियल शुगर्स। सो ट्रिक फर्स्ट ये होता है कि बॉडी नोज कि मैंने शुगर नहीं लिया, इसका मतलब द यंगर जनरेशन इज व्हाट वी आर टारगेटिंग टुडे, टीनेजर्स एंड यू नो द एफ्लुएंट रिच यंग पीपल फ्रॉम 15 टू 40 इज व्हाट आर सफरिंग फ्रॉम दिस लेटर इन लाइफ विद टाइप 2 डायबिटीज। तो वो सोचते हैं मैंने शुगर नहीं लिया, ओके अच्छा मैं 2 डोनट खा लेती हूँ, मैं एक केक का पीस एक्स्ट्रा खा लेती हूँ, मैं फ्रेंच फ्राइज आज खा लेती हूँ। सो द बॉडी गेट्स ट्रिक। सेकेंड थिंग द ट्रिक इज दैट द बॉडी हैज नो रिजर्व ऑफ ग्लाइकोजन व्हेन, आई मीन लेस रिजर्व ऑफ ग्लाइकोजन व्हेन दे गो फॉर वर्कआउट, व्हेन दे गो फॉर वेट ट्रेनिंग, दे गो फॉर वर्कआउट। तो बॉडी जो रिप्लेनिश होनी चाहिए नॉर्मल ग्लूकोज सिंथेसिस से, और ग्लाइकोजन रिजर्व रीस्टोर होते हैं नॉर्मल ग्लूकोज से या शुगर से या स्टार्ची फूड से, वो हमारा फिर रिजर्व नहीं बनता है। प्रोटीन सिंथेसिस चाहिए होता है एक्सरसाइज के बाद टू रिकवर फ्रॉम मसल्स, वो भी रिड्यूस हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अप मसल, मसल वेस्टिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो हमारा ग्लूकोज लिवर से ब्लड में जाता है, ब्लड से मसल में जाता है ड्यूरिंग वर्कआउट, एंड इफ इट इज लो एंड इट इज गेटिंग एन आर्टिफिशियल स्वीटनर, इट डजंट गेट इनफ ग्लूकोज टू पंप अप और बिल्ड अप। सो द मसल ओनली
actually breaks down. So instead of, yes, gaining weight, you lose weight. That's a short-term result they get. But they can even get dizziness, nausea, fatigue, overexhaustion. Long-term bad result what they get from artificial sweeteners with exercising is that they can get into type 2 diabetes, and Dr. Anur Mishra would be more expert on explaining on that. And then they get into cognitive function, which is like behavioral changes and irritability, which is aajkal jaise keto diet mein hota hai, sugar bilkul nahi hoti, you tend to get irritable. So it is... yes, keeping all right. up with that. All right. So... डॉक्टर मिश्रा, बिल्कुल यही बात हम समझना चाहेंगे आपसे, जिस बात का जिक्र डॉक्टर वंदना भी कर रही थी. अगर हमने बे इंतहा बेतहाशा बिना किसी से जांचे परखे पूछे अपनी तरफ से इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल किया और बेजा इस्तेमाल किया, तो कैसे कैसे इम्प्लीकेशंस हमारे शरीर पर उसके पड़ सकते हैं? देखिए, उसमें ये जो हमारे और डिस्कशंस हुए हैं उसमें क्लियरली कहा गया कि ट्रिक कर देती है बॉडी. बॉडी कैसे ट्रिक करती है? आपको समझा दें कि ब्रेन में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं और वो रिसेप्टर शुगर को रिकग्नाइज करते हैं, वो कोई और स्वीटनर्स को नहीं रिकग्नाइज करते क्योंकि ये पहले बने ही नहीं थे. तो वो जब रिसेप्टर्स पर शुगर का प्रभाव पड़ता है तो GLP-1 नामक एक जो हार्मोन होता है वो सिक्रीट होता है, वो शरीर पर अच्छा प्रभाव डालता है. तो एक्चुअली थोड़ा सा शुगर ज़रूरी है और GLP-1 ज़रूरी है हर की बॉडी में थोड़ा सा बढ़ना. लेकिन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जिसमें सारे आर्टिफिशियल नहीं है, कुछ नेचुरल भी हैं. अगर आप स्प्लेंडा को देखें तो नेचुरल है, और रिसेंट जो मॉन्क फ्रूट, जो चाइनीज स्वीट फ्रूट है, वो भी नेचुरल है. तो वो उसको रिकग्नाइज ब्रेन के रिसेप्टर्स नहीं करते. तो GLP-1 अगर कम हो जाए तो GLP-1 के कारण बहुत सारी डिजीज होती हैं और डायबिटीज उसमें अग्रिम होती है. लेकिन यही बात नहीं है, बात इसकी है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर क्या कैंसर कर सकते हैं, क्या कोई और इनहेरिटेड बीमारी को प्रॉब्लम कर सकते हैं, जैसे कि फिनाइल कीटोन्यूरिया. एस्पार्टेम जो होता है वो उन लोगों को नहीं दे सकते जिन बच्चों को ये इनहेरिटेड बीमारी होती है. और देखिए, सैक्रीन पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क शुरुआत से चला आ रहा है, उस पर बहुत डिबेट हो चुका है. इसमें क्लियर है कि सैक्रीन एनिमल्स में कैंसर करती है और ह्यूमन में कोई इसका एविडेंस नहीं आया, लेकिन दिमाग में हमेशा शक रहता है सबके कि क्या ये कैंसर भी कर सकती है कि नहीं. तो इस तरह के क्वेश्चन मार्क तरह तरह के उठते रहते हैं. लेकिन हमको अब क्लियरर हो रहा है कि ज़्यादा मात्रा में ये सब बीमारियाँ और इंक्लूडिंग हार्ट अटैक भी हो सकते हैं, कुछ स्टडीज दिखाती हैं. लेकिन सारी स्टडीज ऐसा नहीं दिखाती हैं और कुछ स्टडीज में मिक्स रिजल्ट्स हैं. और ये बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया है कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट, अगर हम शुगर को सब्स्टिट्यूट कर दें इनसे, तो शॉर्ट टर्म रिजल्ट वेट पर बुरे नहीं है, वेट लॉस होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स में प्रॉब्लम है. और वही हमको देखना है कि लॉन्ग टर्म क्या कोई कंज्यूम करे तो कितनी प्रॉब्लम हो सकती है. दैट इज एग्जैक्टली वॉट वी एनकाउंटर एवरी डे. बिल्कुल डॉक्टर निधि, एक चीज और हमने देखी है कि आजकल तो हर चीज में शुगर फ्री आ रहा है, बिस्किट से लेकर और यहां तक कि च्यवनप्राश भी अब जो है वो शुगर फ्री आ जा रहा है. उस चक्कर में आदमी ये सोचता है कि हम तो शुगर फ्री खा रहे हैं और वो बेइंतहा उसको खाने लगता है और बहुत ज्यादा खाने भी लग जाता है. तो क्या ये सेफ है कि आप क्वांटिटी और को ना देखें, उसको नजरअंदाज कर दें क्योंकि वो शुगर फ्री है तो कितना भी खा लें आप? नहीं, अभी जैसे हमने बोला, अगर हम एक्सेस में कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो हमें हार्म ही देती है. अगर हम एक्सेस में खाएंगे तो हमारी बॉडी को ये आर्टिफिशियल स्वीटनर हार्म दे सकते हैं. उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे च्यवनप्राश के अंदर जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, बट शुगर फ्री को भी एक WHO ने रिकमेंड किया है कि हम इस लिमिट से ज़्यादा अगर लेंगे कि तो वो हमारे लिए हार्मफुल है. अगर ये हार्म करती है तो हमारे पूरे इंटेस्टाइनल फ्लोरा को भी चेंज कर देती है. अगर हम देखें तो हमारे इंटेस्टाइन्स में दो तरह के बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम गुड एंड बैड में कैटेगराइज करते हैं. जब हम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ये शुगर फ्री या आर्टिफिशियल स्वीटनर लेते हैं तो हमारे गुड बैक्टीरियाज जो हैं कम हो जाते हैं एंड बैड बैक्टीरियाज बढ़ जाते हैं. तो ये फ़ायदा ना दे के हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्म दे सकती है. साथ ही ना ही ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हार्म देती है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी ऑफ कोर्स अफेक्ट करती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को भी इफेक्ट करती है. तो राइदर देन
कि इससे फ़ायदा हो, इससे हमें नुकसान ही होता है। अगर हम नॉर्मल एग्जिस्टिंग शुगर, रिफाइंड शुगर अगर हम ना कहें तो नॉर्मल एग्जिस्टिंग शुगर की चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो हमें ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देगी, बट वो भी एक लिमिट में लें कि ताकि हम ओवर कैलोरीड फूड ना खाएं। बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक लिए, अब यहां पर रुक जाते हैं। ब्रेक के बाद हम अपने मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे, खासकर डॉक्टर वंदना से, तो फिर आखिर ऑप्शन क्या हमारे पास बचा और एक आम आदमी के लिए सेफ शुगर इंटेक कितना होना चाहिए पर डे का। तो शुगर फ्री का कड़वा सच आज हम बता रहे हैं, और अगर आप भी मोटा ना होने के लिए, स्लिम या फिट रहने के लिए शुगर फ्री खा रहे हैं, शुगर फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक बार जरूर सोच लीजिए, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जो रिजल्ट्स को बिल्कुल विपरीत बता रही हैं। ऐसे में शुगर फ्री खाने का सेफ लेवल क्या हो, या आम तौर पर भी जो हम शुगर लेते हैं उसका फ्री लेवल क्या हो और उसके क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का पूरा पैनल मौजूद है। डॉक्टर वंदना के पास मैं वापस आना चाहूंगा। डॉक्टर वंदना, तो फिर आम इंसान कितना शुगर इनटेक ले जो उसके लिए हर मायने में सेफ हो? या फॉर एन एवरेज पर्सन हु इज ऑन अ मीडियम लाइफस्टाइल, जिसमें वो बिल्कुल सेडेंट्री भी नहीं है और बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं करता, 4 grams ऑफ फॉर अ 70 kilo पर्सन इज गुड इनफ, 4 grams ऑफ शुगर इनटेक एवरी डे, और उससे ज्यादा फिर ही कैन टेक अप टू 6 to 10 grams इफ ही इज डूइंग हाई इंटेंसिटी हैवी वर्कआउट। तो शुगर के जो नेचुरल शुगर के सोर्सेज हो सकते हैं, जो एक स्पोर्ट्स ट्रेनर, बिकॉज आई एम अ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, जो एक्सरसाइज करते हैं, अब जैसे पहले पावरएड और गैटरएड चलते थे विच हैव आर्टिफिशियल शुगर्स एंड नोन टू हैव साइड इफेक्ट्स, उसकी जगह हम अपना स्पोर्ट्स ड्रिंक खुद घर पे बना सकते हैं। कोकोनट वाटर, 2-3 cups कोकोनट वाटर में हम पोमोग्रेनेट जूस, शुगर केन जूस, वाटरमेलन और काला नमक और 2 chamach नींबू का रस डाल सकते हैं। सो दिस विल बी अ स्पोर्ट्स ड्रिंक, यू कैन गिव टू चिल्ड्रन व्हेन दे गो फॉर स्पोर्ट्स, यू कैन हैव इट बिफोर वर्कआउट। पीनट बटर इज वेरी गुड विद लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जिससे आप कोई भी स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, टेनिस, ये सब खेल सकते हो। यू कैन, इट इज इन द बॉडी फॉर नेक्स्ट 3 hours, गिविंग यू इनफ शुगर, ग्लूकोज टू योर मसल्स, विच इज वेरी नेचुरल एंड वेरी गुड। अगावा नेक्टर पहले काफी हैपनिंग था, यूएस वगैरह में अगावा लेना चाहिए, बट इट हैज नोन टू हैव मोर साइड इफेक्ट्स देन शुगर, देन द नेचुरल शुगर, सो अगावा इज आउट नाउ। स्टीविया के प्लांट्स होते हैं, जिसमें वो पत्ता, आप 2 पत्ते अपने चाय में डाल दीजिए, इट इज इक्वल टू द टेस्ट, बट इट्स बेटर सोर्स देन आर्टिफिशियल शुगर्स। और आई वुड जस्ट से कि पेरेंट्स कीप अ चेक ऑन चिल्ड्रन बिफोर वर्कआउट, हाफ एन आवर बिफोर देम, सेंड देम विद अ स्पोर्ट्स ड्रिंक, गिव पीनट बटर टू देम। आपको शुगर को वर्कआउट करने के लिए आपको जो रिप्लेनिश करना है और प्रोटीन सिंथेसिस करना है, उसके लिए आपकी बॉडी में शुगर होना चाहिए। आप घर पे नेचुरल ग्रैनुला बार्स बना सकते हैं, डॉक्टर निधि उसकी रेसिपीज बताएंगी, ग्रैनुला बार्स बना सकते हैं आप अपने स्पोर्ट्स ये प्रोटीन शेक में। आप 50 grams कार्बोहाइड्रेट्स डाल सकते हैं, जैसे ओट्स वगैरह, जो आपको वर्कआउट के बाद एकदम डिजी नहीं करेगा। हमारे पास एक्सपीरियंस हुआ है, इट्स बीन 20 years, आई हैव बीन रनिंग फिटनेस ट्रेनिंग इन जिम्स। बच्चे आएंगे ये जो डाइट पे हैं, यंग गर्ल्स, और वो 15 minutes वर्कआउट करके फॉल ऑफ कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, विच इज वेरी रिस्की, शुगर लेवल एकदम ड्रॉप हो जाता है। और स्पेशली रिसर्चेस से, जैसे डॉक्टर मिश्रा कह रहे हैं कि शुगर लेवल्स बहुत फ्लक्चुएट करते हैं विद आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बिकॉज ब्रेन डजंट नो हाउ टू रिएक्ट, सो विद दैट फ्लक्चुएशन कि शुगर कभी हाई हो गई, लो हो गई। आजकल बच्चे दे आर बॉर्न विद ग्लूटेन एलर्जीज एंड type 1 diabetes, एंड इफ दे आर गिवन आर्टिफिशियल, इट इज फर्दर कॉन्किंग ऑफ द सिस्टम। तो वो सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो दिस इज वॉट, सो 4 grams फॉर अ 70 kilo मॉडरेट लाइफस्टाइल पर्सन इज अ गुड कंजम्पशन ऑफ शुगर। डॉक्टर मिश्रा, आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा, ये शुगर का इतना हवा क्यों है, और क्या वाकई में एक आम इंसान को समझने के लिए ये जो मिथ्स हैं कि आपने चाय में ज्यादा चीनी पी ली तो आपको शुगर हो जाएगा, आपने मिठाई ज्यादा खा ली तो आपको शुगर हो जाएगा, आपने बिना किसी चीज के सफेद चीनी ऐसे ही चबा ली, अगर आपको स्वीट खाने का मन कर रहा है तो आपको शुगर हो जाएगा, क्या शुगर इतनी जल्दी इतनी आसानी से हो जाता है?
इसमें थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन और कर दें, जो WHO की लिमिट है शुगर की, जो करंट है वो 10% ऑफ द टोटल कैलोरी इनटेक। तो आप जैसे हैं, आपका वेट अगर 70 kg है और आपको 1400 कैलोरी या 1600 कैलोरी डाइट की ज़रूरत है, तो 10% यानी कि 160 कैलोरी शुड कम फ्रॉम शुगर, नॉट मोर देन दैट। और अगर आप एक चम्मच में बात करें तो 5 ग्राम होता है, 5 ग्राम में 20 कैलोरी होती हैं, इसका मतलब 8 चम्मच शुगर पर डे। बट दैट इज़ नॉट, ये चीज़ पे कोई कंसेंसस नहीं है, ये WHO की बात है। और उन्होंने कहा है कि प्रेफरेबल ये रहेगा कि आप 5% पे कर दीजिए, यही इंडियन गाइडलाइंस भी है। तो 5% मतलब 4 चम्मच शुगर से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, 4 चम्मच हर चम्मच में 5 ग्राम। तो बात आपकी, जो क्वेश्चन आपका, उस पर मैं आता हूँ कि देखिए, शुगर अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करेंगे, जो आदमी 4 मील रोज़ चलता है और जनरली अपने कैलोरी को रिस्ट्रिक्ट रखता है, तो उसके लिए अगर 4 चम्मच चीनी किसी भी तरह से आप वो करें, चाहे वो थोड़ा चाय में डालें, कहीं और डालें, वो बुरी नहीं है। लेकिन आप अगर 15 चम्मच चीनी का इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों में कर रहे हैं और आप अपनी कैलोरी को 1600 अगर आपको है उसे 2000 पर जा रहे हैं, तो ये शुगर अल्कोहल से ज़्यादा हानिकारक है। और एक बार बिल्कुल क्लियर कंपैरिजन नेचर जर्नल है, बहुत टॉप जर्नल, उन्होंने कंपैरिजन किया था कि शुगर और अल्कोहल में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। एक मेजर बात यह है शुगर की, वो डायरेक्ट जाकर उसके वो लिवर को मेजर प्रॉब्लम करती है। रिसेंट जो एक स्टडी आई है उसमें उन्होंने कहा है कि एक मक्खन, एक आदमी मक्खन खाता है और दूसरा आदमी शुगर खाता है, तो लिवर में क्या होता है, लिवर शुगर बनाने लगता है, अपने अंदर से बनाने लगता है, फैक्ट्री बन जाता है, और वो मेजर फैटी लिवर में चेंज हो जाता है। इंडिया में लिवर सबसे ख़राब है और लिवर की खराबी हम रोज़ देखते हैं, इसमें शुगर और सैचुरेटेड फैट दोनों इसमें इसको ख़राब करते रहते हैं, और जब लिवर ख़राब होता है तो डायबिटीज़ और बाकी चीज़ें तो आसपास घूमती रहती हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि अल्कोहल जैसा ही लिवर पर प्रभाव पड़ता है शुगर का, अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी कैलोरिक इनटेक में, अपने डेली जो एक रिस्ट्रिक्टेड मात्रा में ना लें, उससे ऊपर लें और बराबर लेते रहें, तो क्लियरली ये उतना ही हार्मफुल है। ऑलराइट सर, अब निधि, ये तो रही बात कि कितना शुगर लेना है, कितना नहीं लेना है, एक सेफ इनटेक क्या हो शुगर का, अब ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं हमारी डेली लाइफ में जिनको हमको खाना है या जिनसे बचना है अगर हमें शुगर से दूर रहना है, अपार्ट फ्रॉम दीज आर्टिफिशियल स्वीटनेस। देखिए, अगर हम शुगर की बात करें तो रिफाइंड शुगर एक्सेस में लेना बैड होता है, बट कई जगह हमारे फूड ग्रुप्स में नेचुरल शुगर, एग्जिस्टिंग शुगर्स भी हैं। अगर हम इसकी बात करें तो डेट्स हो जाएं, ब्लैक किशमिश हो जाए, डेट्स ना ही आप ये नेचुरल एग्जिस्टिंग शुगर ना ही फाइबरस होती हैं, इनमें थोड़े से न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, साथ में ये आपको शुगरी टेस्ट भी देती हैं और आपको शुगर क्रेविंग से दूर रखती हैं। अगर हम नेचुरल एग्जिस्टिंग मीठी के बात करें तो गुड़ हो गया, हनी हो गया, आपका कोकोनट पाम ऑयल शुगर हो गई, डेट शुगर आती है, हम इस तरह की शुगर अगर लेंगे तो ना ही ये हमारी शुगर क्रेविंग को कंट्रोल में रखेगा, साथ ही हमारे को मीठे से मतलब हम सेटिस्फाई भी रहेंगे कि हम मीठा खा रहे हैं, साथ ही फाइब्रस एंड न्यूट्रिएटिव होने के कारण ये हमें थोड़ा सा फ़ायदा ही दे सकती है, जो नेचुरल जो हमारी रिफाइंड शुगर हमें नुकसान दे रही है। अगर हम बात करें कि हमें शुगर कितनी लेनी चाहिए, तो जितना आप कम लेंगे उतना बेटर है, बट मैं शुगर बिना बिल्कुल लेने से ले बिल्कुल मना करूंगी, कि ऐसा नहीं है कि शुगर बिल्कुल ही ना ले, बट हाँ लिमिट में ले, बिकॉज शुगर क्रेविंग जो होती है वो कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता है हमें किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है और हम शुगर की तरफ क्रेव करते हैं। अगर हमें शुगर क्रेविंग को कंट्रोल में रखना है तो हमें कई ऐसी रूल्स फॉलो करने होंगे ताकि हम शुगर से दूर रह सकें। अगर हम रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं तो हम शुगर क्रेविंग से बच सकते हैं। साथ ही अगर हमें शुगर क्रेविंग हो रही है तो नेचुरल एग्जिस्टिंग फ्रूट जिसमें हमारी नेचुरल शुगर पाई जाती है, अगर हम एक पीस ऑफ फ्रूट खा लें तो भी हमें शुगर की सेटिस्फेक्शन जो है हम सेटिस्फाई होंगे और हम रिफाइंड शुगर से दूर रहेंगे। साथ ही अगर हम
प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो भी हम शुगर क्रेविंग से बच सकते हैं. अगर हम नेचुरल शुगर, अगर हम खाना खाने के बाद 5 ग्राम छोटा सा गुड़ का पीस ले लें या फिर 5-6 ब्लैक किशमिश खा लें, तो ना ही ये हमारी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, साथ ही हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्दी रखता है. ऑलराइट, तो नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर लेना बैड नहीं है, बट हाँ, हर चीज लिमिट में ही लेनी चाहिए. ऑलराइट डॉक्टर वंदना, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, ये भी एक आम धारणा हो गई है लोगों में कि सिर्फ और सिर्फ शुगर फ्री डाइट पे ही हमको रहना है. मसलन महिलाएं और युवा आजकल करते हैं स्लिम और फिट रहने के लिए, सुबह अगर ब्रेकफास्ट में चाय लेनी है तो वो शुगर फ्री लेनी है, अगर कोई प्रोडक्ट बिस्किट भी लेना है तो वो भी शुगर फ्री रहना है. अगर आप कंप्लीटली शुगर फ्री डाइट पे चले जाते हैं तो क्या इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे हम आगे, या सेफ है ये? नहीं, ये कम्प्लीटली शुगर फ्री डाइट नहीं होता. हम लोग आलू लेते हैं, चावल लेते हैं, उसमें भी स्टार्च और शुगर होता है. फ्रूट्स लेते हैं, अनार ले लिया, ग्रेप्स ले लिए, रीजन्स ले लिए, प्रून्स ले लिए, उस सब में शुगर होता है. सो वो बॉडी में, वेजिटेबल्स में भी शुगर होता है, बीट रूट में होता है, गाजर में होता है. तो वो नेचुरल शुगर नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, ड्राई फ्रूट्स में आपको मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स में आपको शुगर मिल रहा है. आप मानोगे नहीं, इट्स बीन 20 years, मैंने रिफाइंड शुगर का एक चम्मच भी नहीं लिया है, एंड माय शुगर लेवल्स आर परफेक्ट. सो दैट इज हाउ यू हैव टू जस्ट चेंज द लाइफस्टाइल. रिफाइंड शुगर की जगह आप फ्रूट्स ले लो, विच आर मोर, जिसमें शुगर बॉडी में ज्यादा देर के लिए रहती है, आपको रूटीन के लिए एक्टिव रहती है, आप लेथार्जिक नहीं होते. जैसे निधि बोल रही है कि एक्सरसाइज से आपका जो मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और ब्रेन एक्टिविटी बढ़ती है, एंडोर्फिन्स बढ़ते हैं, ऑल दैट बैलेंस क्रिएट्स लॉट ऑफ बैलेंस, ग्लूकोजन बैलेंस ऑल्सो, जिससे आपको वो चीनी की क्रेविंग नहीं होती. बट आप वर्कआउट के बाद आप फ्रूट ले लो, आप एक बनाना ले लो बिफोर वर्कआउट, हाफ एन आवर बिफोर वर्कआउट, या बाद में आप एप्पल ले लो, तो इन सब में शुगर है. आई थिंक इट इज अ मिथ कि चीनी लेने से आपका बॉडी सिस्टम ठीक रहेगा. एंड यानी कि चीनी की भी जरूरत है, शुगर की भी जरूरत है, लेकिन एक सीमित मात्रा में यदि हो, वो लिमिटेड हो, तो उससे आपकी बॉडी को फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा. लेकिन वो शुगर कैसे लेना है, उस शुगर के नेचुरल सोर्सेस क्या हैं, बाकी सोर्सेस क्या हैं, ये हमारे मेहमानों ने आपको आज बताए. और जो सेफ इनटेक है वो क्या है, हमें लगता है कि ये भी हमारे दर्शकों के लिए काफी इंपॉर्टेंट जानकारी आज रही. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए. डॉक्टर अनूप मिश्रा, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर. निधि, थैंक यू सो मच, आपने भी वक्त निकाला. डॉक्टर वंदना, थैंक यू सो मच, आपने भी हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला, इतनी जानकारी साझा की. तो इसी के साथ शुगर फ्री का कड़वा सच हमने आपके सामने रख दिया. आपको अब मालूम है कि शुगर फ्री लेना है या नहीं लेना है, किन हालात में लेना है, अगर लेना है तो कितना लेना है, और इसके अल्टरनेटिव आपके पास क्या क्या विकल्प मौजूद है. तो इसी के साथ आज आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही. एक और मुद्दे के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए और देखते रहिए जी बिजनेस. नमस्कार.